नमस्कार प्यारे बच्चों आज की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी सूर्भी दो का पाठ नंबर तेरा मम्मी सो रही है तो यहाँ पर है वो दो बच्चों की बात की गई है मन्नू और मिन्नी की जो बहुत ही समझदार भाई बहन है उसकी मम्मी दोपहर को सो रही होती है और उसका छोटा भाई भी सो रहा होता है तभी नल की आवाज आती है किचन में से टप 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 तो मनु और मिनी उस नल को बंद करने जाते हैं और देखते हैं कि बंद बर्तन है वो गंदे हो गए तो बर्तन भी साफ कर देते हैं और जब अलमारी में बर्तन रखते हैं तो एक गिलास मिनी के हाथ से छूट जाता है और जोर से आवाज आती है तो उसका छोटा भाई जग जाता है और मम्मी भी जग जाती है और वो रसोई घर में आती है तो देखती है कि बर्तन सारे धुले हैं और मिन्नी के हाथ से गिलास टूट कर नीचे गिरा है वो उसके टुकड़ों को भी देखती है फिर बोलती है कि मेरे बहुत अच्छे बच्चे क्योंकि बच्चों ने बर्तन धो दिए थे क्योंकि बच्चों को मम्मी की फिक्र थी कि मम्मी बहुत थक गई है और सो गई है तो मम्मी का काम हम कर ले चुप मम्मी सो रही है खर 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 जो खराटों की आवाज आ रही है धीरे बोलो छोटा भाई भी सो रहा है टप 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 यह आवाज कहा से आ रही है टप 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 शायद रसोई घर में नल चल रहा है चलो धीरे 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 दरवाजा खोलो धीरे से कर, कर, कर। दरवाजा खोलने की आवाज आती है क्या तुम नल बंद कर सकती हो तो कहती है नहीं मनु मिन्नी को पूछता है तुम नल बंद कर सकती हो क्या हम नल बंद कर सकते हैं तो मिन्नी कहती है हा मगर कैसे तो मिलकर तिपाई लाओ तो तिपाई लाती है आराम से कोई आवाज नहीं ठीक है ओह बर्तन कितने गंदे हैं तो क्या मैं बर्तन धो दू तिपाई पर चढ़कर नहीं तुम नहीं कर सकते मनु कहता है कि मैं ये बर्तन धो देता हूँ पर चढ़कर तो मिन्नी कहती है तुम नहीं कर सकते मैं कर सकती हूँ बिना शोर किए और मिन्नी ने एक एक करके सारे बर्तन धो दिए क्या मैं तिपाई पर चढ़कर उन्हें सूखे कपड़े से पोछ दू नहीं तुम नहीं कर सकते मैं कर सकती हूँ बर्तन धोने के बाद मनु कहता है कि मैं बर्तन को साफ कर दू बर्तन तुमने धोए है तो उसे मैं सूखे कपड़े से पोंछ दू तो कहती है नहीं तुम नहीं कर सकते मैं कर सकता हूँ कर सकती मैं कर सकता हूँ और मनु ने एक एक करके सारे बर्तन सूखे कपड़े से पोछ दिए क्या हम इन्हें धीरे से बिना आवाज किए अलमारी में रख दे तुम छोटे हो मैं बड़ी हूं मुझे एक एक करके बर्तन पकड़ाते जाओ मैं एक एक करके बर्तन अलमारी में रखती जाती हूँ तो मन्नू कहता है कि हम अब ये बर्तन है अलमारी में रख देते हैं तो म, मिन, मिन्नी कहती है कि तुम मुझे एक एक करके देते जाओ मैं अलमारी में दे देती हूँ तो के लो मनु कहता है लो तो मिन्नी कहती है दो मन्नू कहता है लो तो मिन्नी कहती है दो और फिर चटाक शीशे का एक गिलास मिन्नी के हाथ से छूट गिर गया अब क्या होगा तो बर्तन रखते समय मिन्नी के हाथ से एक गिलास वो टूट जाता है आ आ आ। छोटा छोटा भाई भाई नींद नींद से से जग गया। छोटा भाई इस गया। इस आवाज को सुनकर जाग ओ उ, 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 छोटा भाई रो रहा है अरे अरे मम्मी भी जाग गई चुप मम्मी ने छोटे भाई को गोद में लिया है श्, मम्मी रसोई घर में आ रही है अब क्या होगा तो दोनों बच्चे है वो डर जाते हैं क्योंकि गिलास टूट गया है तो उसे लगता है कि मम्मी मुझे डांटेगी मम्मी ने रसोई घर को देखा मम्मी ने बर्तनों को देखा, मम्मी ने तिपाई को देखा मम्मी ने मिन्नी और मन्नू को देखा मम्मी ने टूटे हुए गिलास को देखा यह सब तुम दोनों ने किया है क्या मम्मी गुस्से में है मम्मी पूछ रही है सब तुम दोनों ने किया बर्तन साफ तुम दोनों ने किए तो बच्चे आपस में बात कर रहे कि क्या मम्मी गुस्से में हमसे पूछ रही है मम्मी ने छोटे भाई को झूले में लिटाया चर्र 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 फिर अपने दोनों बड़े बच्चों को प्यार से गले लगाया मेरे प्यारे समझदार बच्चे फिर झाड़ू लेकर गिलास के टुकड़े इकट्ठे किए और कूड़ेदान में डाल दिए आज मैं मिन्नी और मनु के लिए खीर बनाऊंगी मम्मी ने हाथ धोते हुए कहा तो बच्चों इस पाठ में हमने सीखा कि कैसे छोटे दोनों बच्चे हैं वो अपने मम्मी की हेल्प करते है।, है हम भी अपने मम्मी पापा की हेल्प करते हैं। तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें है वो दूसरों की मदद करनी चाहिए तो बच्चों पाठ यहाँ पर खत्म होता है अगले वीडियो में हम इस पाठ का अभ्यास सीखेंगे